हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइटर कपल। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। सो आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्की। इसके लिए मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर और साथ में मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ आलू और साथ में मैंने लिए हैं कुछ मसाले। यहाँ मैंने लिया है नमक, मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला, यहाँ पे लिया है सूखा हुआ पुदीना, ये मैंने लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, सूखा हुआ धनिया पाउडर। तो अब हम अपना मिक्सचर बना लेंगे। इसमें हमने आलू डाल लिया है। इसमें आप कॉर्नफ्लावर की जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हैं और या आप अरारोट भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास अवेलेबल हो जो चीज आप वो ले सकते हैं। अभी इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा चाट मसाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम इसकी टिक्की बना लेंगे। चलिए गाइस, हमारा मिक्सचर बनके रेडी है। हमने गैस ऑन कर लिया है। एक तरफ मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई टिक्की और दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी नॉन फ्राई टिक्की तवे पर। हमने जो हमारा मिक्सचर था वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। हमें इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जो टिक्की हम तवे पर बनाएंगे वो थोड़ी पतली होनी चाहिए। अगर वो मोटी होगी तो वो बीच में से कच्ची रह जाएगी और पकेगी नहीं। तवा हमारा गर्म हो गया है, हम इसको थोड़ी सी आंच इसकी धीमी कर लेंगे। हमारा पैन का तेल भी गर्म हो गया है, इसकी भी आंच हम थोड़ी धीमी कर लेंगे क्योंकि अगर हम तेज आंच पर पकाएंगे तो टिक्की बाहर से तो पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। एक साइड से ये पक चुकी होगी, देखिए एक साइड से पक चुकी है। अब हमने इसकी साइड चेंज कर ली है, ये भी एक साइड से पक चुकी है। अब हमारी टिक्की बनकर रेडी है। देख लीजिए आप, तवे वाली टिक्की भी पक गई है और फ्राई टिक्की भी पक गई है। देख सकते हैं टिक्की हमारी रेडी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। हमने टिश्यू पेपर रख लिया है ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर सोख ले। हम तवे वाली टिक्की भी ले लेंगे। सर, जैसा कि आप देख सकते हैं टिक्की हमारी रेडी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको गार्निश करना बता देती हूँ। हम डालेंगे थोड़ा सा दही और दही में पहले ही मैंने शक्कर ऐड किया था, आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे इमली की चटनी। अब हम ऐड करेंगे इसमें अनियन। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई पुदीना पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा काले मिर्च और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।